जय श्री राधे कृष्णा। पूरे देश में भिन्न भिन्न रूपों में मनाई जाने वाली होली पूर्व में होलिका दहन की शुरुआत से हुई थी। पूर्व में हिरण्यकश्यप की नगरी थी हरदोई और वह हरि का द्रोही था, इसलिए उन्होंने इसका नाम हरिद्रोही रखा था। उसका पुत्र प्रहलाद भगवान हरि का भक्त था और उसी को मारने के लिए हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को उसकी गोद में अग्नि कुंभ में बिठाया था। होलिका को वरदान था कि आग से वह नहीं जलेगी। होलिका भक्त प्रहलाद को अग्नि कुंड में लेकर बैठ गई, जिसमें होलिका आग में भस्म हो गई और भक्त प्रहलाद को भगवान विष्णु ने बचा लिया। हिरण्यकश्यप किले में कुछ अवशेष अभी भी हैं। होलिका हिरण्यकश्यप की बहन थी। प्रहलाद भगवान विष्णु का भक्त था, जिससे परेशान हिरण्यकश्यप ने उससे छुटकारा पाने के लिए उसे नदी में डुबाया, पहाड़ से गिरवाया, किंतु उसका बाल भी पाका नहीं हुआ। इसलिए हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन को प्रहलाद को मारने के लिए आग में लेकर बैठने की आज्ञा यह सोचकर दी कि होलिका को यह वरदान था कि वह आग में नहीं चलेगी और प्रहलाद की जलकर मौत हो जाएगी। बुआ होलिका ने प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में प्रवेश किया। नारायण की कृपा से प्रहलाद बच गए और होलिका जल गई। होलिका के अंत की खुशी में होली का उत्सव मनाया जाता है। कहा जाता है कि नरसिंह भगवान का क्रोध इतना प्रबल था कि हिरण्यकश्यप को मार डालने के बाद भी कई दिनों तक वे क्रोधित रहे। अंत में भगवती लक्ष्मी ने प्रहलाद से सहायता मांगी और वह तब तक भगवान विष्णु का जप करते रहे जब तक वे शांत न हो गए। आज उन्हें हरदोई शवन देवी मंदिर में शांत स्वरूप में देखा जा सकता है। यहाँ भक्त प्रहलाद घाट व नरसिंह मंदिर भी है। इस घटना की याद में प्रतिवर्ष फाल्गुन के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को छोटी होली के नाम से मनाया जाता है। हरदोई भारत के उत्तर प्रदेश में स्थित है, जहाँ होलिका ने प्रहलाद को अग्नि में जलाने की कोशिश की, लेकिन भक्त प्रहलाद बच गए और होलिका जल गई। तो ये आज की वीडियो है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिए और यूनिराउंडर को सब्सक्राइब कीजिए।